हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। राजस्थान प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार श्री गंगानगर में सबसे अधिक तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं बीकानेर का तापमान भी 41.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त से मॉनसून फिर से सक्रिय हो सकता है। खास तौर पर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश संभव है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 3 और पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर में सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई। बारिश गायब होने के कारण दिन भर लोग गर्मी और उमस से परेशान होते रहे। राजधानी जयपुर में 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो ये सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्ज की मेघ गर्जन की संभावना है। राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 5 अगस्त की पश्चिमी राजस्थान में भी मॉनसून सक्रिय हो सकता है। 5 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालौर और बाड़मेर में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी बरसात हो सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, बूंदी और कोटा जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। 6 अगस्त को मॉनसून पूरे देश में सक्रिय रहेगा। इस दिन पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात होगी, वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, पाली और जालौर जिले में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ भारी बरसात संभव है। 7 और 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात हो सकती है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।